कल चुनाव होने वाला है यानी 3 तारीख को, और बाकी विधानसभा का चुनाव, 6 विधानसभा का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जो तृतीय चरण में होगा। जो जब चुनाव की नज़दीक आ रहा है तो विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी तेज हो गया है। इस क्रम में आज रमघड़वा हाई स्कूल के मैदान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी पहुँचे हैं। आज अश्विनी चौबे जी के जनसभा से मैं दिखा रहा हूँ। अभी अश्विनी चौबे जी मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, यदि बात सही हो तब तो आप ताली बजाइए, बात सही ना हो तो ताली न बजाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जब से हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है बहनों भाइयों, उस समय से लेकर जो वादे किए हम सारे वादों को हम लोगों ने पूरा किया, सारे वादों को हम लोगों ने पूरा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 के बाद से ही, नंबर 80 से जहां तक मुझे याद है, बराबर अपने घोषणा पत्र में हम लोग यदि स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहुमत मिला, अब 2-2.5 वर्ष के अंदर ही आपको भव्य राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर देखने को मिलेगा। या तो माता सीता की धरती स्वामी के पास, तो हमारे चंपारण के लोगों को तो और बेहद खुशी होगी। इस वादे को हम लोगों ने पूरा किया। हमें याद है पहले जब हम लोग अपने घोषणा पत्र में लिखते थे तो लोग ये कहते थे, अरे भाई जब चुनाव आता है ये भाजपा वाले यमुना के बारे में, जब धाका दे रहा जब से हम लोग धाका दे रहा है तो पकड़ना पड़ रहा है भैया को, हमारी सरकार आएगी जम्मू काश्मीर का भी वही कब्जा होगा जो कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों का है। मैंने भाइयों आपने देखा कि तंत्र में बहुत करते हैं, उसको भी चुटकी बजाकर भारत जो तंत्र को हम लोग उसी के साथ लगा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान है। मैंने भाइयों अब गिलगित बाल्टिस्तान में हस्तक्षेप करके पाकिस्तान कह रहा है कि हम उसको राज्य बनाएंगे, यह घोषणा वहां पर की है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमारी सरकार ने सब दिया है मेरे भाइयों कि पाक अधिकृत काश्मीर यह पाकिस्तान का नहीं है बल्कि यह हिंदुस्तान का है। उस पाक जरूरत नहीं है जो कोई भी पाकिस्तान ने कहा है उसका तो विरोध कर दे। कितनी बातों की आपके सामने मैं चर्चा करूं, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, यदि वहां का कोई भी हिंदू भाई सिख भाई भी बौद्ध जैन यदि वह उत्पीड़ित होकर भारत आना चाहेंगे तो हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे और हर प्रकार की सुविधा उन्हें मुहैया कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।